आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ। यूं तो कन्नौज जनपद पहचान का मोहताज नहीं है, खुशबुओं के शहर कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान आइडियल इंडिया टीवी की टीम पहुंची कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र। यहां हमने विधानसभा क्षेत्र में घूमकर ग्रामीणांचल में स्थानीय मतदाताओं से सीधी बात की। छिबरामऊ विधानसभा से सिटिंग एमएलए अर्चना पांडे हैं, जिन्हें भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सपा विधायक अरविंद सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। छिबरामऊ विधानसभा में भाजपा और सपा के बीच सीधी सीधी टक्कर है। आपको भी दिखाते हैं कि वोटर इस चुनाव में क्या मन की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के रुझानों को। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र। आज हम छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में आइडियल इंडिया की टीवी के साथ घूम रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, हम लोग फरुखाबाद कन्नौज हाईवे पर खड़े हुए हैं। ये बॉर्डर एरिया पड़ता है फरुखाबाद, इधर आगे चले जाएंगे तो पड़ेगा और ये कन्नौज पड़ेगा। विधानसभा छिबरामऊ क्षेत्र में है। यूं ही निकले हम तो रास्ते में मुलाकात हुई, सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे, आसपास के गांव के कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हमने सोचा आइए इनसे मौके पर बात कर लेते हैं, रूबरू कराते हैं। दादा, चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव है, छिबरामऊ से अर्चना पांडे जी को भाजपा ने उतारा है, अरविंद सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, क्या चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या है मुख्य मुद्दे और क्या चाह रहे चुनाव में आप? चुनाव में अर्चना पांडे को चाह रहे हैं। क्यों, वजह बताइए। वजह का, हमारा हमारा पड़ोसी नेता है, हमारा गांव का नेता है। तो भाजपा को वोट करेंगे? भाजपा को वोट करेंगे। क्या काम करवाए उन्होंने, विधायक रही छिबरामऊ की, क्या क्या काम कराए, क्यों खुश हैं? वो खुश है, हमारा घर का नेता, इसलिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अरविंद को नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। दादा, आप बताइए कि छिबरामऊ विधानसभा में अर्चना पांडे भाजपा से उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अरविंद सुपूर विधायक उतारा है, तो अब इस चुनाव को आप किस तरफ जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव के, क्या मुद्दे हैं, कहां वोट करना चाह रहे हैं आप? ये ऐसा है कि जो विकास करेगा क्षेत्र में उसी को वोट दिया जाएगा। विकास हुआ है? विकास हुआ है और उनके बाबा जी ने किया है कि गरीबों को राशन दे रहा, दो महीने में दो बार, और किसान नदी जो प्रधान जी, प्रधान नरेंद्र मोदी जो दे रहे हैं, वो हर किसान को मिल रहा है। आपको मिला किसान सम्मान निधि? मिला। तो खुश हैं भाजपा से? अच्छा, समाजवादी पार्टी को क्यों वोट नहीं देना चाहते, क्या दिक्कत है वहाँ? दिक्कत क्या थी, गुंडागर्दी भी थी उनके, ठीक है, और जात पात, इसमें जात पात नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ऐसा किसी को छोड़ा ही नहीं कि जिसके साथ किया नहीं। तो योगी सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, सपा सरकार में नहीं, इतनी सुरक्षा नहीं थी। तो सीधा सीधा बताइए, आपका वोट किधर जाता है? अर्चना पांडे को जाएगा, यानी भाजपा। भाजपा। एक और बुजुर्ग हैं, दादा बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्रीपाल। अच्छा, क्या चुनाव में क्या रुझान है आपका, किधर वोट जाएगा? जो जो सरकार चल रही है, अर्चना भी कुछ भी करें, अर्चना को मान लो हर काम करना ही लगती, और जो ऊपर जो है ये काम सही कर रहे। अच्छा, और बकाया जो पार्टी है तो वे गड़बड़ हड़बड़ करती है। कहाँ गड़बड़ करती है? एक पहली बात तो अखिलेश ने हिंदुवाद उनमें है ना ही। अच्छा, वे मुसलमान ज्यादा बढ़ावा देते। अच्छा, अगर बढ़ावा दे तो समान रखो, मतलब कंट्रोल रखो। हाँ, तो समान करो, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ करो। अब ये इनको सब एक साथ कैसे भाव कि सबको राशन मिल, तो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। तो योगी जी से खुश हैं आप? हाँ, योगी जी रहे, मोदी जी रहे, अर्चना ठीक है, विधायक भी हैं, तो उनकी कितनी चल रही है। अच्छा, आपके छिबरामऊ या आपके गांव में आसपास इस सरकार में चुनाव, इस सरकार पांच साल में पीछे विकास कार्य हुए? विकास कार्य कोई मतलब नहीं, इतना विकास है, सब जनता पढ़ रही, ना का अनाज मोल लेवाओ पर, ना का पैसा कम मजूरी जवाओ पर,
पैसों मिल तो खानों मिल तो खुश है योगी सरकार। वोट आपका फिर मान लेगी, कहाँ जाएगा बताइए खुल के। योगी भाजपा। एक और ये हमारे साथी हैं, युवा हैं, सब साथ में ही है। कहाँ कहाँ रहते हैं आप, किस गांव में रहते हैं, क्या नाम है गांव का? संजू। क्या नाम है आप? संजू सिंह। क्या चुनाव करेंगे, कहाँ वोट जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों, वजह बताओ। सब फायदे फायदा है, आपने बुजुर्ग ने बताया ना हमारे। अरे तुम तो यार पढ़े लिखे आदमी हो यार, तुम बताओ क्या फायदा। चार काम दो काम गिनाओ भाजपा के, भाजपा के दो काम गिनाओ। कोई एक दिक्कत तो है ही नहीं, शासन सबसे बढ़िया चल लो। बिल्कुल, चाहे यहाँ घूमो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षित, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अनाज गल्ला बटरा मिला कि नहीं मिला? सब मिल रहा, सब मिल रहा। किसान सम्मान निधि आपको मिली? हाँ मिली। तो वोट भाजपा में? भाजपा में। अच्छा, सपा सरकार अखिलेश यादव से क्या दिक्कत, ये वो तो बताओ। तो आपने बताया ना, ये तो खुद हमारे दादा चौधरी हैं। नहीं आप बताओ क्या दिक्कत थी भाई। दिक्कत जो सब उनने बताई भाई, बात है और का। बताओ खुल के बताओ ना, गुंडागर्दी। शासन जो अच्छो शासन चल रहा, कोई दिक्कत रहा है तो क्या हमें परेशानी है? कोई परेशानी तो है नहीं। तो कमल का फूल खिलाएं, कमल का फूल। एक दादा और है हमारे साथ, बुजुर्ग हैं। दादा आप कितनी उम्र है आपकी? बुजुर्ग हैं, कहाँ रहते हैं, गाँव? नाम क्या गांव का? नाम रुद्रापुर। अच्छा रुद्रापुर। आपका क्या नाम है? मनोज सिंह है। ये बताइए कि अर्चना पांडे को वोट देंगे या योगी बाबा को वोट दे रहे हैं? अर्चना पांडे यही हम बेटो, हमारी संभालने हैं। आई 5 साल विधायक रही, मंत्री रही, आई है आपके गाँव में मुलाकात? आई है। कुछ काम वाम हुआ? काम का कभी नाम। तो फिर काय वोट देंगे? देंगे योगी बाबा के। योगी बाबा आप जाए, मतलब विधायक को वोट नहीं, योगी बाबा को वोट। हाँ ना, अभी नहीं कराएंगे। हाँ हमारे काम गांव में भी हुए हैं। सुविधा दे तो है, सुविधा दे तो है, तो उन्हें जाएंगे भाई होगी। आवास आवास मिले हैं आपके गांव में लोगों को? हाँ। अच्छा, गल्ला वल्ला मिल रहा है? खूब खूब राशन खूब मिला जम के। हाँ। अच्छा, पेंशन बुजुर्ग है, पेंशन मिल रही है? तो वोट आपका कहाँ जाएगा खुल के बताओ। योगी, योगी बाबा। हाँ। ये थी मिली प्रतिक्रिया थी यहाँ पे, लोग जो अचानक सड़क के किनारे गांव के बैठे हुए मिल गए। विधानसभा छिबरामऊ क्षेत्र में हम लोग थे। आगे सफर ये विधानसभाओं का चुनाव के दौरान जारी रहेगा। मैं था जितेंद्र, कैमरे पे थे राम ऋषि पांडे, छिबरामऊ कन्नौज जनपद से। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ।